रक्षाबंधन आने वाली है तो आज हम मनाएंगे सिर्फ आधे लीटर दूध से ढेर सारे रसगुल्ले और ये बहुत ही स्पंजी और परफेक्ट बनेंगे। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू संजनास किचन। तो देर किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने आधा लीटर दूध लिया है और इसे उबाल लेंगे। देखिए अब ये दूध उबल गया है, अब इसका हम छेना बनाएंगे। छेना बनाने के लिए हमने फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल किया है। हम गर्म दूध को नहीं फाड़ेंगे, नहीं तो छेना सॉफ्ट नहीं बनेंगे। 5 मिनट दूध ठंडा करने के बाद हम 3 चम्मच पानी और 3 चम्मच विनीगर डाल के धीरे धीरे डालते हुए हम इसे दूध को फाड़ लेंगे। विनीगर डालते समय हम ज़्यादा नहीं चलाएंगे, नहीं तो छेना टूट जाएंगे। अब देखिए पानी हरा हो गया है और छेना अलग हो गया है। अब इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे। इसे छानने के लिए हमने कॉटन कपड़ा का इस्तेमाल किया है। आप मोटे कपड़े बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें, नहीं तो छेना छनेंगे नहीं। छेना को हमने छान लिया है। अब इस तरह से दोनों हाथों से कपड़ा को पकड़ के और सारा पानी इसका निकाल देंगे। अब छेना से सारा पानी निकल चुका है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे हल्के हाथों से इस तरह से 1 मिनट के लिए हम इसे मैश करेंगे। ये स्टेप बहुत ध्यान से करना होता है। अब हमारा छेना सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, 1 पिंच बेकिंग सोडा और 1/2 चम्मच सूजी। कॉर्नफ्लावर डालने से बेंडिंग अच्छी होगी और सूजी डालने से एक्स्ट्रा पानी जो भी होगा वो सूजी सोख लेगी। अब इसे सॉफ्ट होने तक आटा की तरह हम गूंथ लेंगे। अब 3 मिनट तक हम इसे गूंथ लिए हैं और अब इसका छोटी छोटी लोई बना लेंगे। अब हम इसका चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए हम जितना दूध लिए हैं उतनी ही चीनी लेंगे और उससे 1/2 हम पानी डाल देंगे। हमने 2 कप चीनी और 1 कप पानी लिए हैं। अब इसका हम चाशनी बनाएंगे। जब तक चाशनी बन रही है तब तक हम रसगुल्ला बना लेंगे। अब हम दोनों हाथों की मदद से गोल गोल रसगुल्ले बना लेंगे। ध्यान रहे इसमें कोई क्रैक नहीं रहे। अब हमारा रसगुल्ला बन गया है और चाशनी में भी उबाल आ गई है। अब हम 1 चम्मच मैदा का घोल बना के चाशनी में डाल देंगे ताकि झाग ऊपर तक आए और रसगुल्ले ऊपर तक पके। अब हम इसमें सारे रसगुल्ले डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। 5 मिनट तक हम इसे टच नहीं करेंगे। 5 मिनट बाद हम कलछी में पानी लेंगे और इस तरह से इस पर डालेंगे ताकि झाग बनी रहे और जो पानी सूख जा रहा है चाशनी का वो भी बरकरार रहे। इस तरह हम हर एक 3 मिनट बाद करेंगे। कलछी में पानी लेंगे और इसमें पानी डालेंगे ताकि रसगुल्ले भी फूले और चाशनी भी कम नहीं पड़े। इस तरह करते हुए हम 20 मिनट तक पकाएंगे। अब 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम रसगुल्ले को चेक करेंगे। अब रसगुल्ले हो गए हैं, ये अंदर की तरफ डूब गए हैं। अब इसमें 2 कप ठंडा पानी डालेंगे ताकि रसगुल्ले और फूल जाए और 4 घंटे के लिए हम ढक के छोड़ देंगे। 4 घंटे बाद हमारे स्पंजी रसगुल्ले तैयार हैं। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।